हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं ना कि हमारे हर एक के कोई ना कोई ड्रीम होता है। जैसे ये देखो, ये क्लाउड पर ये बैठा हुआ अपना ड्रीम ले रहा है। हम सब कुछ ना कुछ ड्रीम करते हैं कि हमें ये बनना है, हमें वो करना है। इवन आज हमारी इतनी एज हो गई, लेकिन आज भी हमने कोई ड्रीम लेना छोड़ा नहीं है। तो आप लोगों का भी कोई ना कोई ड्रीम होगा, बच्चों का भी कोई ड्रीम होगा आपका फ्यूचर में कि मैं क्या आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, या फिर इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, बायो साइड ले लूं। जैसे अभी आप 10th में हो, तो अभी आप प्लान कर रहे होते हो कि भाई अगले साल मुझे साइंस लेनी है या कॉमर्स लेना है, या एस्ट्रोनॉट भी बनना किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है कि स्पेस में जाना बहुत अच्छा लगता है, तो उस फील्ड में भी जा सकता हूँ। मीन्स बहुत सारे फील्ड्स हैं और हमारे बहुत सारे ड्रीम्स हैं कि हम कैसे उसको फुलफिल करें, पर हमें समझ नहीं आता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इसके लिए अनअकैडमी जो है वो आपके लिए कैरियर क्विज लेके आया है, जहाँ पर माने जाने लोग जो है अपने फील्ड के ही, आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे, ये अपनी फील्ड के बहुत माने जाने लोग हैं जो कि आपको कैरियर वाइज जो है वो गाइड करेंगे, अपने लाइफ के बारे में बताएंगे कैसे उन्होंने अचीव किया अपना ड्रीम और क्या क्या मेहनत करनी पड़ी, कैसे हुआ सब। तो 20 तारीख को होने वाला है ये कैरियर क्वेस्ट, 10 बजे से 6 बजे तक। और कहाँ पर होने वाला है, यू नो वेरी वेल, ये होगा अनअकैडमी पर, ठीक है। और ये नाम है कुछ फेमस लोग, गौतम भिमानी, कुणाल, फिलिप रॉस एंड बहुत सारे इस टाइप के स्पीकर्स आएंगे जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं आपके कैरियर में, आपके ड्रीम को पूरा करने में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो डेट याद रखिएगा अच्छे से, 20 तारीख को होने वाला है, 20 दिसंबर को 10 बजे से 6 बजे तक। और अनअकैडमी ऐप पर आपको घर बैठे ही इसको अटेंड करना है, कहीं जाना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगने। सिर्फ क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है, अपने गोल सेलेक्ट करना है कि जैसे यहाँ मैंने स्पेशल का डाला हुआ है, स्पेशल क्लास का, आप कैरियर क्वेस्ट डालेंगे वहां पर जाकर, और वहां आपको फिर एक इनवाइट कोड मांगेगा वहां, तो इनवाइट कोड आपको डालना है डीएसएल क्लासेस, ठीक है। अपने आप को अनलॉक करना है वहां पर डीएसएल क्लासेस के इनवाइट कोड से, और बस ज्वाइन कर लेना है एंड अपने ड्रीम के बारे में देखना है, पूछना है, जानना है डिटेल में कि कैसे आप उसको पूरा कर सकते हो, क्या ऐसी गाइडलाइंस हैं जो आपको फ्यूचर में हेल्प करने वाली है। तो जरूर अटेंड करिए, ये बहुत आपको हेल्पफुल होने वाला है कैरियर क्वेस्ट। और ये रेफरल कोड डालना मत भूलना, वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आपको ज्वाइन करना है, लेकिन वहां पर अपने आप को अनलॉक करने के लिए आपको इनवाइट कोड डालना पड़ेगा, वो है डीएसएल क्लासेस, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में जो आज मैं आपको ब्रीफिंग देने वाली हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल का थोड़ा सा आपको जल्दी से रिव्यू दूंगी। तो इस चैप्टर के कंटेंट्स हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्सीजन के साथ, वाटर या स्टीम के साथ, एसिड के साथ, दूसरे सॉल्ट के साथ, या फिर नॉन मेटल के साथ, इन सब मेटल्स की रिएक्शन, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन और उनकी प्रॉपर्टीज, ये सब कंटेंट आपका आने वाला है बोर्ड में। और जो डिडक्ट हुआ है इस साल, एक्सक्लूड किया गया है 2021 के लिए, वो है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कॉरोजन और उसकी प्रिवेंशन। ये पूरा पार्ट जो है वो इस बार अभी एक्सक्लूड कर दिया गया है शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से। तो जल्दी से देखते हैं लेसन का थोड़ा छोटा सा रिव्यू रिवीजन के फॉर्म में, एंड देन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यदि मेटल एंड नॉन मेटल की देखो, तो मेटल्स जो है सब हार्ड, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, आवाज प्रोड्यूस करते हैं, सोनरस प्रॉपर्टी है, गुड कंडक्टर है, मैलिएबल डक्टाइल है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स है, डेंसिटी काफी हाई रहती है, और रूम टेम्परेचर पर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है मरकरी। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल ज्यादातर सब गैसेस होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, ना तो इनमें मैलिएबल डक्टिलिटी मिलती है ना साउंड प्रोडक्शन, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह और डेंसिटी सब लो रहती है, तो काफी डिफरेंसेस हैं नॉन मेटल के। यहाँ भी एक्सेप्शन है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और आयोडीन जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें दिखाई देती है, तो एक्सेप्शन जरूर याद करने हैं, 1 मार्क्स में आ सकते हैं। देन बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो ऑक्सीजन के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड, जो कि डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, जो बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, इसलिए उन्हें कैरोसिन में सोडियम को प्रिजर्व भी रखना पड़ता है। सिल्वर मेटल और सिल्वर प्लेटिनम और गोल्ड जो है वो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव है, नॉर्मल मेटल की तरह वर्क करते हैं एंड बिना बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन यदि हम वाटर के साथ देते हैं देखें तो मेटल्स जो है वाटर में मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ भी स्पीड जो है वो हर मेटल की अलग अलग है और कंडीशंस अलग है। सोडियम और पोटेशियम जैसे कि कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत तेजी से विग्रसली रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से, और एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब कोल्ड वाटर से की जाती है तो रिएक्शन स्लो तो होती है, प्लस वो अपने चारों तरफ एक एल्यूमिना की कोटिंग डेवलप कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे हाइड्रोजन भी लिब्रेट होती है, बट एक बार जब ये कोटिंग बन जाती है तो फर्दर रिएक्शन बंद हो जाती है एल्यूमिनियम की। जिंक कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाता और इसमें बनता है जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होती है, लेकिन थोड़ा वार्म कंडीशन लेनी पड़ती है, और आयरन भी बहुत स्लो इतनी रिएक्शन होती है वाटर के साथ कि हमें दिखाई नहीं देगी हाइड्रोजन निकलते हुए, लेकिन जब हम उसके ऊपर स्टीम पास करेंगे, वाटर को स्टीम की फॉर्म में आयरन के ऊपर पास करेंगे, देन इट फॉर्म्स द आयरन ऑक्साइड एंड लिब्रेट्स हाइड्रोजन। तो यहाँ इन दोनों के इस केस में ऑक्साइड्स मिलते हैं इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, वी विल गेट ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल। दीज आर द एक्सेप्शनल बिहेवियर्स ऑफ द जिंक एंड आयरन विद वाटर। अब यदि हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो भैया पोटेशियम सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक की रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, कंडीशंस चेंज हो रही है, वाटर कोल्ड वाटर की जगह वार्म वाटर से रिएक्शन हो रही है, एंड आयरन तक आते आते वार्म वाटर भी नहीं स्टीम की फॉर्म में पास करना पड़ेगा वाटर, देन रिएक्शन पॉसिबल होगी और हाइड्रोक्साइड तब भी नहीं बनेगा। एंड लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड ये तो बिल्कुल भी वाटर से रिएक्शन नहीं करते। कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, बहुत सिमिलर मतलब बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है कि कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लो HCl या H2SO4 और उसमें एक्टिव मेटल डाल दो। एक्टिव मेटल का मतलब अभी बताऊंगी किसे मैं कह रही हूँ एक्टिव मेटल। तो एक्टिव मेटल हमने डाला डाइल्यूट HCl या H2SO4 में, देन सॉल्ट बन जाएगा आइदर क्लोराइड या सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होगी। रिएक्शन यदि हम नाइट्रिक एसिड के साथ करें तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक एसिड तो है लेकिन साथ साथ उससे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, और ये क्या करता है ऑक्सीजन की रिच सप्लाई करता है और हाइड्रोजन को जो हाइड्रोजन गैस बनती है पहले लेकिन उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में चेंज कर देता है और खुद किसी भी सुटेबल और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जैसे कि NO बन सकता है, N2O3 बन जाता है, किसी में NO2 बन जाता है, तो इनमें से कोई भी ऑक्साइड उसका सुटेबल उन मेटल के साथ बन जाता है। कॉपर सिल्वर गोल्ड यहाँ पर भी नाइट्रिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन इस टाइप की नहीं करते। अब यदि हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखें कि मेटल ऑक्साइड कैसे वर्क करता है, तो मेटल ऑक्साइड ज्यादातर सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम सबके ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं, लेकिन जिंक ऑक्साइड अगेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगेन एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे हैं। जिंक ऑक्साइड जो है वो बेस की तरह भी वर्क करता है और एसिड से भी रिएक्शन कर लेता है, और एसिड की तरह भी वर्क करता है और बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो ये कैसा ऑक्साइड है, दीज टू आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्शन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ जैसे मैं एग्जाम्पल में रिएक्शन याद करना बिल्कुल मत भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड ने बेस के साथ रिएक्शन की तो सोडियम जिंकेट बन गया, और यदि ए एसिड से रिएक्शन इसको करने को मिल गई तो इसने सॉल्ट बना दिया जिंक क्लोराइड का। सेम ऐसे ही आप ट्राई कर सकते हो एल्यूमिना के साथ रिएक्शन अपने आप बना के देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा और HCl के साथ उसका एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इस टाइप की ये हमें केमिकल रिएक्शन दिखाई देती हैं डिफरेंट। इन सब रिएक्शन के बेस पर हमने क्या किया, मेटल्स को जो है ओवरऑल नंबरिंग की उनकी, और उन्हें एक रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज की फॉर्म में हमने उसे अरेंज कर दिया। दिस अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हाइड्रोजन एंड इट्स सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें हाइड्रोजन से कुछ मेटल्स ऊपर रखे गए हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे, और हाइड्रोजन से चार जो है वो नीचे भी हैं, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो जो मोस्ट एक्टिव है वो पोटेशियम सोडियम से, ये डाउनवर्ड नीचे नीचे रिएक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल एंड दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज। अब इससे कुछ चीजें ध्यान रहनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए कि जो हाइड्रोजन से नीचे मेटल्स है वो हाइड्रोजन को उसके सॉल्ट में से जैसे HCl, H2SO4 या वाटर, उनमें से उन्हें रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड ये जो ऊपर वाले मेटल्स हैं हाइड्रोजन से, वो इजीली हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देते हैं, और जितना ज्यादा ऊपर है पोटेशियम सोडियम उतना उसकी फास्ट रिएक्शन होती है। ऐसे ही यदि हम एक सॉल्ट की बात करें कि जो नीचे का मेटल है जैसे जिंक है, वो मैग्नीशियम के सॉल्ट में से मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, या फिर कॉपर है, कॉपर जिंक के सॉल्ट में से जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसकी रिएक्टिविटी सीरीज में डाउन है। ऑन द अदर हैंड जिंक जो है वो कॉपर के सॉल्ट में से कॉपर को रिप्लेस कर देता है क्योंकि वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक को यदि हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो रिएक्शन दिखाई देगी, रिएक्शन होगी और नया सॉल्ट और कॉपर निकल के बाहर आ जाएगा। यदि हम कॉपर को जिंक सल्फेट में डालें तो रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। इस टाइप से आप कोई भी रिएक्शन किसी भी कंपाउंड के सॉल्ट के साथ रिएक्शन जो है वो चेक कर सकते हो कि वो होगी या नहीं होगी। तो नॉन मेटल्स के साथ जब मेटल को रिएक्ट किया जाता है, एक मेटल नॉन मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तो हमेशा सॉल्ट बनाता है। जैसे कि Na ने Cl के साथ रिएक्शन की तो NaCl बन गया, लेकिन ये कैसे बना, ये हमें स्ट्रक्चर्स भी आने चाहिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड फॉर्मेशन इनकी आनी चाहिए डायग्राम। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इट विल प्रोवाइड दैट इलेक्ट्रॉन टू द Cl, एंड Cl के पास क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन हो हैं उसके पास, वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, तो दोनों के ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन इस लॉस एंड गेन में सोडियम विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड Cl विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज, दैट्स वाई दोनों आयनिक बॉन्ड से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, बॉन्ड बनाकर जुड़ जाते हैं और सॉल्ट बन जाता है NaCl का। ये तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से मैंने डायग्राम दिखा दिया, आप डॉट स्ट्रक्चर की भी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने मैग्नीशियम का बनाया है क्लोरीन के साथ MgCl2 फॉर्मेशन में, Mg के पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दो डॉट दिखा दिए, Cl के 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए डॉट की फॉर्म में, दोनों को उसने एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया और उसके ऊपर चार्ज आ गया +2 और Cl ने -1 चार्ज एक्वायर कर लिया और दोनों आयनिक बॉन्ड से तीनों जो है वो कंबाइन होकर एक सॉल्ट की फॉर्म में चेंज हो गए, विच इज कॉल्ड MgCl2। तो इस टाइप से आपको ये डॉट फॉर्मेशन की भी प्रैक्टिस करनी है। और ये था हमारा एक लेसन का छोटा सा रिव्यू। आई थिंक आपको एक फास्ट ट्रैक में समझ आया होगा कि पूरा लेसन तैयार करने के बाद आपको एक रिव्यू लेना चाहिए
छोटा सा 5-10 मिनट का, 15 मिनट का, कि आपको इनमें से किस टॉपिक में अभी भी प्रॉब्लम है उसको आप दोबारा तैयार करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे रिवाइज इस लेसन के। तो चलिए, टिल देन बाय एवरीवन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।